मैं कांकेर जिले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिले के दुरुंगो कौंदल ब्लॉक के कलंगपुरी गांव में कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित युवक 14 मई को मुंबई से कांकेर आया था, जिसके बाद युवक को पुजारी पारा के सेंटर में क्वारंटाइन किया गया था। युवक का रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद RT-PCR के लिए जगदलपुर डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में सैंपल भेजे गए थे। वहीं मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने गांव को सील कर दिया है। इसकी पुष्टि जिला कलेक्टर KL चौहान और राज्य कोरोना कंट्रोल डेस्क ने की है। वहीं साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से जिले में हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे पंचायत मंत्री हो, चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे DS हो, चाहे जितने भी हैं, सभी लोग मन से दिल से लगे हुए हैं और उसी के परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में बहुत कम मात्रा में खासकर कोरोना के मरीज मिला है। पर बाहर से जो व्यक्ति आ रहे हैं वो पीड़ित है, कहीं ना कहीं उससे कहने की एक प्रकार से उनका फिर से हम रिसेंटली यहाँ उसको ये क्वारंटाइन सेंटर में है। वो उसका जो गाँव है कलंगपुरी के पारा है, उस पारा में ही वो रह रहे हैं। अभी पृथक है, किसी से उसकी मुलाकात नहीं हुई है। मैं स्वयं उस लड़के से बात किया जिसको ये निकला है, तो उसका कहना है कि वो किसी से मुलाकात नहीं किया है, जो उसके साथ में उनके तो हम उसको तुरंत आज माना हॉस्पिटल जहाँ पे बुलेटिन में टाइम। कुछ और खबरों के लिए देखते रहे।